पहाड़ों में पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश से बालगंगा धर्मगंगा नदी का जलस्तर फिर खतरे के निशान पर बह रहा है। टिहरी जनपद के बुढ़ा केदार स्थित धर्मगंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। नदी का पानी लोगों के घरों में घुसने लग गया है, जबकि बुढ़ा केदार से कोटी अगुंडा मोटर मार्ग का एक हिस्सा नदी के तेज बहाव के चपेट में आ गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल इस समय नजर आ रहा है। घरों में नदी का पानी घुसने लगा है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बालगंगा और धर्मगंगा का रौद्र रूप इस समय फिलहाल आम जनता को डराता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के हालात क्या हैं इस मानसून में, तस्वीरें आपके सामने हैं। और कोडियाला के पास नदी में एक वाहन गिर गया, एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर मौजूद है। थाना मुनिकिरेती की घटना है ये, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कोडियाला में, जहां पर एक वाहन गिर जाता है, इसके बाद यहां पर टीमों की ओर से रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर मौजूद है। कैसे ये पूरा हादसा हुआ है ये जांच में ही निकलकर सामने आ पाएगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये, कोडियाला के पास नदी में वाहन गिरा। तो मॉनसून अपने चरम पर है और मॉनसून की वजह से लगातार हादसे भी पेश आ रहे हैं। संवाददाता नासिर हुसैन इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा नासिर के पास चलते हैं। नासिर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पहाड़ों पर इस समय मॉनसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, देवभूमि उत्तराखंड की अगर बात करें तो मॉनसून का सबसे पहले असर हम जानना चाहेंगे आम जनता पर कितना पड़ रहा है, क्या कुछ मौजूदा हालात हैं अभी इस समय उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड में अगर हम इस वक्त मौसम की बात करें तो मौसम में क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खासा नुकसान कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर लोगों को उठाना पड़ रहा है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, कल भी बारिश होती रही, देर रात भी बारिश होती रही और आज सुबह से भी बारिश का मौसम बना हुआ है। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जो मौसम है उसकी वजह से किस तरह का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था कि अलग अलग इलाकों पर अलग अलग तरह की बरसात हो सकती है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है। अगर हम इस वक्त राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में इस वक्त हल्की धूप जरूर निकली है, लेकिन जो बारिश का मौसम वो बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि देहरादून और देहरादून के आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो सकती है, क्योंकि बारिश थोड़ा रुक रुक के जरूर हो रही। वहीं अगर हम पहाड़ी जनपदों की बात करें तो वहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हो चुका है और भूस्खलन के कारण कहीं ना कहीं जो कुछ मार्ग है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से मार्ग अवरुद्ध होने के कारण कई जगहों पर जाम की स्थिति भी बनी हुई है। हालांकि जो लोक निर्माण विभाग है उन्होंने अपने अधिकारी कर्मचारियों को वहां पर तैनात किया है और जो पॉकलैंड मशीन है वो जगह जगह पर तैनात की गई हैं, ताकि जहां जहां पर भी रास्ते बंद हो रहे हैं उन रास्तों को समय से खोला जा सके। इसी दौरान इस तरह की खबरें भी आ रही है कि कई जगहों पर हादसों की खबरें भी लगातार आ रही है। आज बद्रीनाथ मार्ग है, यानी ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर अगर हम चलेंगे बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर, वहाँ पर कोडियाला एक जगह पड़ती है जहाँ पर एक वाहन खाई में जा गिरा, जिसमें बिल्कुल नासिर बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो जैसे कि हमारे संवाददाता नासिर बता रहे हैं, चारधाम यात्रा पर भी मॉनसून का इस समय असर पड़ता दिखाई दे रहा है, यात्रियों को खासी मुश्किलों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। नासिर हमारे साथ बने हुए। नासिर, देखिए, अगर मॉनसून के बाद होने वाली इस मुसीबत की हम बात करें तो क्या सड़कें बंद होने तक ही ये सीमित नजर आ रही है या फिर और भी ज्यादा विस्तृत है, लोगों के घर टूटने से लेकर घरों में पानी जमा होने तक या फिर जल भराव को लेकर भी? देखिए, उत्तराखंड की अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इस तरह की बिल्कुल नासिर जी
उत्तराखंड में जब बारिश होती है तो जो पर्वतीय जनपद है वहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो ऐसी जगह, जब बारिश होती है तो जो पर्वतीय जनपद है वहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो ऐसी जगहों पर रहते थे, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है तो कहीं पर पानी भरने की जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर पानी भरता है और पानी भरने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर रास्ते बंद हो जाते हैं तो कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी भर जाता है। उत्तराखंड में कई जगहों पर लोग ऐसी जगहों पर भी रह रहे हैं जहाँ पर मलबा आने से लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये अभी शुरुआती दौर है क्योंकि अभी मानसून शुरू हुआ है, बरसात अभी शुरू हुई है, अभी पूरा का पूरा महीना बाकी है, तो ऐसे में आने वाले समय में और ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को उठाना पड़ सकता है क्योंकि बारिश और ज़्यादा होने वाली है, जिस तरीके से मौसम विभाग पूर्वानुमान जता रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा बारिश बढ़ सकती है और बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भरने की जैसी स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि बारिश तेज होगी। कुछ पहाड़ी जनपद हैं जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से जो पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, उसकी वजह से कई जगहों पर रास्ते भी बंद होते दिख रहे हैं। तो आने वाले समय में ये स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती है। हालांकि प्रशासन सरकार इस बात को लेकर के लगातार दावे करता नजर आ रहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत चाक चौबंद दुरुस्त कर ली गई हैं, लेकिन हालात वैसे नजर नहीं आ रहे हैं। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है रास्ते बंद हो जाते हैं, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, भूस्खलन लगातार हो रहा है, बहुत सारे मार्ग अभी भी बंद पड़े हुए हैं, लगातार उनको खोलने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। बिल्कुल नासिर, क्योंकि कुल मिलाकर इस समय मानसून अपने चरम पर नजर आ रहा है, आम जनता को मुश्किलात का सामना यहां पर करना पड़ा है। प्रशासन की ओर से जो बंदोबस्त है धराशायी से नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।